हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी की आपकी क्लास होने वाली। आप BSTC या PTT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके रेलगाड़ी से संबंधित एक प्रश्न बनता है एग्जाम के अंदर, जो 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज अपनी 29वीं क्लास है रीजनिंग की। इससे पहले अपन 28 क्लासों के अंदर 28 टॉपिक है वो इसके क्लियर कर चुके हैं और आगे भी जल्दी इसके सारे के सारे टॉपिक अपन क्लियर कर लेंगे। बेसिक रीजनिंग अपनी पूरी हो चुकी है, अब कुछ एडवांस रीजनिंग है जो आपकी किताब में नहीं मिलेगी लेकिन एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, बस आपको डरना नहीं है, बहुत ही अच्छे से रेलगाड़ी के प्रश्न आते हैं, बहुत ही अच्छे इजी ट्रिक से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिमाग में से जो एक थिंकिंग है तो गणित के सवाल हो जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, उस नेगेटिव थिंकिंग को निकाल देना आप, मेरी यहां से गारंटी है बहुत अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। टोटल कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनको किस किस प्रकार से हल किया जाएगा, इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जो भी भाई बहन जुड़ चुके हैं, सभी से निवेदन रहेगा एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने हर व्यक्ति तक, ये भाई बहन तक ये क्लास पहुंचानी है जो BSTC या PTT की तैयारी कर रहा है। साथियों देखिएगा, 2020 का जो एग्जाम हुआ था BSTC का, उसके अंदर रेलगाड़ी से संबंधित एक प्रश्न आया था। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर किताब में ये टॉपिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। नहीं साथियों, कोई लक्ष्य की किताब वाला पेपर नहीं बनाएगा या राय की किताब वाला, सिक्वाल की किताब वाला पेपर नहीं बनाता है, पेपर एग्जामिनर बनाता है। वो क्या क्या सोच के कुछ भी मेंटल एबिलिटी का आपको दे सकता है। तो 2020 के अंदर BSTC में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आया था, साथ साथ में PTT के भी इसके प्रश्न आते हैं। तो पहले अपन इसका बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये प्रश्न क्या था और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन रेलगाड़ी क्या होती है, ये किस भाग में आता है, उसकी बात करेंगे। तो देखिएगा, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा दूरी, समय और चाल। ये साथियों जो रेलगाड़ी वाले मित्रों, निवेदन रहेगा क्लास को पूरा देखिएगा। यहाँ तो मैं अभी आपसे कहूँगा, निवेदन करूँगा, आप क्लास को छोड़ के जा सकते हैं या फिर अंत तक जुड़े रहेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप अपने हालातों को, अपनी परिस्थितियों को कोसते रहोगे। और साथियों, जो हालातों और परिस्थितियों को कोसता है वो व्यक्ति कभी जिंदगी में सफल नहीं बनता है। अगर सफल बनना है तो हालातों का रोना आपको छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करके सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो दूरी, समय और चाल से प्रश्न बनते हैं। आपको या तो पे दूरी पूछी जाएगी, दूरी किसकी पूछी जा सकती है सर, रेलगाड़ी की दूरी, दूरी को अपन लंबाई भी तो कह सकते हैं ना। मैं आपको कह दूं कि ये कोई एक रास्ता, यहां पे ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट से ये बी पॉइंट है, इसके बीच की दूरी कितनी, आपको सर 10 मीटर की दूरी है, ऐसा एग्जांपल ले लिया। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की लंबाई कितनी है। तो दूरी को या लंबाई को एक ही बात होगी, वो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ सकता है, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ सकता है, वो किसी खंभे की लंबाई पूछ सकता है, ऐसा प्रश्न बनेगा फर्स्ट टाइप का, जिसमें आपको दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। दूसरे टाइप का प्रश्न बनेगा जिसमें आपको समय ज्ञात करना पड़ेगा। सर समय कैसे, वो कह सकता है कि एक रेलगाड़ी है वो 50 मीटर लंबे खंबे को कितने समय में पार करेगी, ऐसे आपको समय वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरी आपको चाल, चाल का मतलब स्पीड कहते ना, कि गाड़ी है वो 30 की स्पीड से चल रही है, 40 की स्पीड से चल रही है, तो आपको स्पीड पूछी जा सकती है कि भाई एक 50 मीटर लंबे खंबे को रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की स्पीड बताओ, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। पहले अपन थोड़े से इसके फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस प्रकार से बहुत ही कम समय में आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, जब भी आपको दूरी, आपने कुछ थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक साइंस के अंदर पढ़ा हो, मैथमेटिक्स में पढ़ा हो, तो चाल ज्ञात, चाल का मतलब होता है स्पीड, और चाल साथियों हमेशा ज्ञात की जाती है दूरी बटे समय से। चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, चाल ज्ञात करने का सूत्र होता है दूरी बटे समय। स्पीड का मतलब मैं कहूं, मैं आपको कहता हूं कि एक व्यक्ति है वो 100 मीटर है, 100 मीटर की दूरी सिर्फ कितने टाइम में, 10 सेकंड में पार कर लेता है, 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पार कर लेता है, तो उसकी स्पीड क्या है। तो आप हमेशा क्या करोगे, दूरी है 100 मीटर और समय 10 सेकंड है, इसका भाग दोगे तो 10 का भाग 100 में 10 बार गया, आपको पता चला कि वो 10 की स्पीड से चलता है। कितने की स्पीड से चलता है, 10 की स्पीड से चलता है, इसलिए वो 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पार कर लेता है। स्पीड मीटर प्रति सेकंड में, अभी उसकी भी बात करेंगे। तो जब भी आपको चाल पूछी जाए तो चाल अज्ञात करने के लिए आपका सूत्र क्या,
होना चाहिए। जब भी आपको चाल पूछे आपके दिमाग में साथियों आना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। इसी से दूसरे फॉर्मूले जन्म लेते हैं। जैसे आपको समय पूछ ले कि इतनी स्पीड है और इतना क्या है, इतनी दूरी है, तो आपको बताना समय कितना लगेगा। तो जब भी टाइम पूछे तो आपका हमेशा सूत्र होगा दूरी बटे चाल। समय पूछेगा, चाल पूछा जा रहा है तो दूरी बटे समय हो जाएगा। अगर समय पूछा जाए तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको दूरी पूछ ली जाए कि दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है, तो वो हमेशा चाल गुणा समय होगी। क्या होगी, आपकी कितनी स्पीड है और आप कितने टाइम तक चलते हो, वही आपकी। मैं कहूं कि एक गाड़ी 50 की स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर प्रति ओवर की स्पीड से एक गाड़ी जा रही है, और वो गाड़ी 10 घंटे इसी स्पीड से चली तो कितने किलोमीटर जाएगी। तो आपको पता है 50 किलोमीटर प्रति ओवर इनकी एक घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, 10 घंटे चली मतलब सर वो तो कितनी 500 किलोमीटर चली होगी। तो ऐसे ये अपनी दूरी होती है। तो साथियों सबसे पहले आपको तीन ट्रिक्स याद रखने पड़ेंगे, तीन फॉर्मूले कौन से याद रखने पड़ेंगे मैथ्स के, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये समझ में नहीं आएगा आगे कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, और आपके तीन नंबर ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको मैं यहाँ पे एक सलाह देना चाहूँगा, इनको आप याद करो। कैसे याद करना, चाल पूछे, स्पीड पूछे तो कितनी दूरी है और कितने टाइम में जाते हो वो स्पीड होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय होगा। अगर समय पूछे तो दूरी बटे चाल होगा, और अगर दूरी पूछे तो चाल गुणा समय, चाल का समय से गुणा करना। ये तो सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से हल करना है। तो एक तो चीज़ आपको ये याद रखनी होगी, दूसरी आपको मैं कुछ और शर्तें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ और भी लिखाना चाहूंगा, तो उसके बारे में भी अपन बात कर लेते। देखिएगा, ये अगर आपने लिख दिया तो एक साथियों गणित के अंदर क्या होता है, आपने घड़ी का कांटा देखा होगा गाड़ी का, उसके अंदर दूरी हमेशा किलोमीटर पर आवर में, चाल किस में लिखी जाती है, किलोमीटर पर आवर में। गाड़ी की स्पीड अपन कहते हैं कि सर 90 की स्पीड से गाड़ी चलती है, तो वो 90 किलोमीटर पर आवर होगा। यानी कि अगर ऐसी स्पीड से गाड़ी चलती रहे ना, तो प्रति ओवर का मतलब घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब अगर 90 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो अगर ऐसे ही गाड़ी चलती रहे तो वो एक घंटे के अंदर 90 किलोमीटर जाएगी। एक घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 90 किलोमीटर जाएगी, इसका ये मतलब होता है। तो आपको यहां पे क्या ध्यान रखना होगा कि जब भी इस कंडीशन के अंदर आपको देखिएगा, अपन के ये किलोमीटर प्रति घंटे वाली बात नहीं होगी, अपन के जब भी बात होगी मीटर प्रति सेकंड की होगी। क्योंकि साथियों रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे, यहां पे अपने मैथमेटिक दृष्टिकोण से इसको मीटर प्रति सेकंड में नापा जाएगा। तो आपको जब भी प्रश्न के अंदर ध्यान रखना, जब भी प्रश्न में आपको कहीं पे भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया जाए, तो उस किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। किस में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। कैसे बदलोगे, बस सीधा सा याद कर लो कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए जो आपको किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर जो आपको संख्या दे रखी है ना, उस संख्या को आपको 5/18 से गुणा कर देना है। जो भी आपका उत्तर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में बदल चुका होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ये ध्यान, इतने अगर ये तीन बातें ध्यान रखोगे तो ही आपका प्रश्न सही होगा, नहीं तो 100% आपका प्रश्न गलत ही होगा। क्यों गलत होगा, सबसे पहली चीज ध्यान रखना, प्रश्न के अंदर आपको देखना है, अगर प्रश्न में आपको मीटर प्रति सेकंड के अंदर मान दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में रखा कुछ नहीं करना, चलेगा। लेकिन अगर प्रश्न में आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है कोई भी मान, तो आपको उसको क्या है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। कैसे बदलेंगे अभी बताऊंगा आपको। जो भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ उसका 5/18 से क्या करना है, गुणा करना है। वहीं अगर क्या है, आपको मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करते हैं, जो अपने यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि अपन है वो बहुत ही आपके एग्जाम के लेवल से इजी प्रश्न आते हैं, इतने हार्ड प्रश्न नहीं आते। बस आपको धैर्य बना के लास्ट तक देखना होगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं तीनों प्रकार के प्रश्न समझाऊंगा। वो जो बीएसटीसी 2020 में प्रश्न आया था उसकी भी अपन बात करेंगे। अब रेलगाड़ी के सवाल आएंगे, तो अपन अब रेलगाड़ी पे आए, तो रेलगाड़ी में आपको दो चीजें याद रखनी, क्या याद रखनी है। एक तो साथियों प्रश्न आएगा कि एक रेलगाड़ी है वो किसी खंबे को पार करती है इतने इतने समय में, तो आपसे कुछ पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, खंबे की लंबाई होती है क्या, मैं यहाँ पे आपको ये कुछ बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ सर, आप क्या बनाओगे, देखिएगा, ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये क्या है, कोई प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे रेलवे पटरी जा रही है, क्या जा रही है, यहाँ पे रेलवे है, वो क्या है, रेलवे गेज जा रहा है, रेलवे पटरी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ट्रेन आती है साथियों, और ये ट्रेन इधर से आई, ठीक, और यहां पे रेलवे पे आपने देखे होंगे खंबे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे मान लिया खंबा हो या कोई आदमी खड़ा हो, वही बात हुई ना, आदमी भी ऊपर की ओर होगा और खंबा भी ऊपर की ओर होगा। आदमी कह सकते हैं, खंबा कह सकते हैं, कुल्ली कह सकते हैं, कुछ भी कहो, ठीक है, बात एक ही है। तो अब यहां पे प्रश्न यह आएगा कि एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और इस खंबे को 3 सेकंड में पार कर लेती है, तो बताओ इस खंबे की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना सर, इसकी तो लंबाई कहां पे होती है, खंबे की तो हमेशा ऊंचाई होती है। जी हां, खंबे की हमेशा ऊंचाई होगी,
यहाँ पे खंभा का तो एक मतलब यूं काल्पनिक माना गया है, खंभे को तो सिर्फ एक काल्पनिक माना गया है, बाकी ध्यान रखना खंभे की तो कोई लंबाई है ही नहीं। तो सर लंबाई कहाँ से लाओगे? चलो मान लिया रेलगाड़ी तो लंबी होती है, नहीं होती है। अब मैं कहूँ कि इस खंभे को कैसे पार करेगी, तो आप कहोगे सर रेलगाड़ी का इंजन है, आगे वाला भाग है, रेलगाड़ी मान लिया इतनी बड़ी है, तो रेलगाड़ी का जो आगे वाला भाग खंभे के पास आएगा तब ये पार हो गया क्या? नहीं हुआ। रेलगाड़ी के आगे वाला भाग जैसे ही खंभे के पार आएगा तब से खंभे की लंबाई गिननी शुरू होगी, और ये रेलगाड़ी बहुत लंबी है तो इसको ऐसे पार करते करते काफ़ी समय से चलेगी खंभे के पास, जब लास्ट वाला भाग वापस खंभे के पास आ जाए, कि रेलगाड़ी का पहला भाग खंभे के पास आता है और जब तक लास्ट वाला भाग खंभे के पास आ जाए तब तक रेलगाड़ी कितनी चली है वही साथियों उसकी लंबाई होती है, और इसी लंबाई को अपन खंभे की लंबाई मानेंगे। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, अगर समझ में नहीं आए एक बार पुनः देख लेना, आपके पास सिस्टम है मित्रों, मैंने एक बार बोल दिया लेकिन आप मुझे हजार बार दोबारा भी सुन सकते हैं, तो आप दोबारा देख के भी जरूर कोशिश करना। तो प्रश्न में आपको दो ट्रिक ध्यान रखना है हमेशा, अगर आपको प्रश्न में कहीं भी कहा गया है कि खंभे को कितने टाइम में पार करेगी, तो ध्यान रखना जो खंभे की लंबाई होगी ना वो किसके बराबर होगी? रेलगाड़ी की लंबाई होगी। खंभा लंबा नहीं होता, ऊंचा होता है, लेकिन रेलगाड़ी तो वहां से निकलती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना खंभे की लंबाई कहा जाए तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है वही लंबाई क्या मानेंगे हम? खंभे की मानेंगे। जितनी आपको रेलगाड़ी, ये आगे काम आएगा रट लेना, ध्यान रख लेना, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी ही लंबाई अपन किसकी मानेंगे? खंभे की मानेंगे। दूसरा क्या होगा, एक तो आपको खंभे को पार करने का कहेगा, किसी आदमी को पार करने की कहेगी, ठीक है, लेकिन दूसरा क्या होगा, ये कहेगी कि एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, उसके सामने कोई दूसरी रेलगाड़ी आई उसने उसको पार किया, यहां पर कहेगी कि एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, यहां पर कहेगी एक रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है। तो जब भी आपको दूसरी रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करने की बात आए तब जो टोटल लंबाई होगी ना वो कुल लंबाई, एक तो जो आपकी रेलगाड़ी, जिस रेलगाड़ी से आप दूसरी रेलगाड़ी, दूसरी सुरंग या फिर प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हो, कुल लंबाई के अंदर एक तो वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी और दूसरी जो भी आप सुरंग पार कर रहे हो तो सुरंग की लंबाई, प्लेटफॉर्म पार कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि कुल लंबाई क्या होगी? कुल लंबाई हमेशा सभी लंबाइयों का योग होगी, ध्यान रखना कुल लंबाई क्या होगी? हमेशा सभी लंबाइयों का योग होगी। अभी आप इतना सारा आपने मेथड ये पढ़ा, आप कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, अभी अपन प्रश्न करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिएगा प्रश्न कैसा आएगा, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या करती है? देखिए एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, आपको पता चला कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यहाँ से लिखते जाओ साथियों, आप मतलब आपको यहाँ से आंकड़े निकालते रहने प्रश्न में। इसने कहा कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो आपने लिख दिया कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर है। कितनी है? 120 मीटर। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। चाल कितनी दे दी? चाल आपको दे दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, पीछे क्या लग रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है। और ये किसमें? मीटर में। तो मैंने कहा था कि दोनों एक समान होने चाहिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको अपन को किसमें चेंज करना होगा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। कहा था या नहीं कहा था? सर कहां कहा, अभी मैंने बताया कि ऐसे प्रश्न आप ये याद रखोगे तो ही कर पाओगे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है तो आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहां पर आपको ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 54 को किससे? 54 को 5/18 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 18 का भाग 54 में तीन बार जाएगा, 18 का 18, 18 दूने 36 और 18 54, यहां पे गया भाग तीन बार और तीन को 5 से गुणा किया 15 आएगा, यानी कि ये अब 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। प्रश्न में रेलगाड़ी की चाल क्या दी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अपन को चाल किसमें चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो अपन ने मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से इसको गुणा किया, तो अपन को रेलगाड़ी चाल मिली 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर रेलगाड़ी कितनी चलती है? 15 मीटर चलती है। एक सेकंड में रेलगाड़ी कितनी चलती है? 15 मीटर चलती है, और टोटल रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, ठीक है। इसने क्या कहा प्रश्न को पढ़िएगा, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खंभे को कितने समय में पार कर लेगी? अब आपको कि सर खंभे को पार करने का मतलब क्या हुआ, तो मैंने आपको एक शर्त और लिखी थी, ध्यान रखिए मैं अपने टॉपिक से हटूंगा नहीं, मैंने आपको जो चीज़ बताई वो तो रटनी ही पड़ेगी, कि जब भी खंभे को पार करने की बात आए तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही लंबाई अपन खंभे की लंबाई मानेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर अब जो रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है ना 120 मीटर, यही लंबाई किसकी होगी? खंभे की लंबाई होगी। तो सर याद क्या करना है, समय
समय ज्ञात करना है। और समय ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र बताया था, देख लो, मैंने जो बेसिक बता दिया वो सीख के अपने आप प्रश्न होंगे। समय ज्ञात करने का देखिएगा, यहाँ पे मैंने सूत्र बताया था कि दूरी बटे चाल क्या होता है, ये देखो दूरी बटे चाल क्या होता है, दूरी बटे चाल ही क्या है, समय ज्ञात करने का सूत्र है। तो अब इसको यहाँ पे लगाओ, इसने पूछा कितने समय में पार करेगी, मतलब समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब दूरी कितनी है, तो दूरी तो भाई पोल की दूरी, सर खंबे की दूरी तो पता नहीं है, मैंने आपको बताया कि खंबे की दूरी है वो रेलगाड़ी की दूरी ही होती है, तो रेलगाड़ी की दूरी तो 120 मीटर दी हुई है, और उसके बाद बटे चाल, चाल सर 15 मीटर पर सेकंड है, कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, चलिएगा 120 के अंदर 15 का भाग दे दो, 15 का भाग दोगे 120 में, साथियों 15 का पाड़ा बोलोगे 8 बार बोलोगे तो 120 आएगा, तो 8 उत्तर आ गया 8। अब समय है, और समय किस में निकाला, सेकंड में, क्यों, क्योंकि 15 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि सेकंडों में बात करें तो 8 सेकंड के अंदर वो रेलगाड़ी क्या करेगी, खंबे को पार कर लेगी, और यही आपका उत्तर होगा, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। बहुत ही इजी तरीके से आप करेंगे, लेकिन आप कहेंगे सर ये तरीका तो इजी नहीं था, ये तो क्या था, बहुत हार्ड था, बिल्कुल। अब एक ट्रिक है, नॉर्मल सा सूत्र है, सीधे से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको विधिवत कराया, क्योंकि अगर सूत्र आपके पास होगा तब अच्छे से करोगे, बाकी मैं इसको ऐसे कर सकता था, कैसे कर सकते थे सर, कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर क्या करती है, एक खंबे को कितने समय में पार करेगी, तो मैं इसका सूत्र सीधा लगा देता कि भाई एक 120 मीटर है और ये कितनी चलती है, 120 अनुपात 15 कर देता, 15 का भाग 120 में 8 जाता, 8 अनुपात 1 जाता, यानी कि क्या 8 सेकंड, सीधा कर सकता, लेकिन साथियों अगर अभ्यास है तो इस सीधे कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिएगा, ठीक है, मैं ऐसे बहुत से प्रश्न कराऊंगा, एक समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, 6 से 7 प्रश्न कराऊंगा तब तक समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्या आया, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, आपको पता चला रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 120 मीटर आपने लिख दिया, किसमें दी हुई, मीटर में, अगर किलोमीटर में है तो मीटर में बदलनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने आपको कहा चाल अपन को रखनी मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए अपन ने क्या किया 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया, तो 54 × 5/18 हुआ 15 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद पूछा कि ये खंबे को कितने समय में पार करेगी, तो अपन पता है कि भाई समय पूछा और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी 120 है, चाल है वो 15 है, तो 8 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से आपने ये प्रश्न सॉल्व कर दिया। अब एक दूसरा प्रश्न है, अब चलिए अगर आपको वो प्रश्न समझ में आया तो ये प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर देंगे, तो देखते हैं अब कितने भाई बहन सही कर पाते हैं, फटाफट से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो फालतू मत्तापच्ची नहीं करेंगे, मैं समझा रहा हूं उस चीज को, एक बार आप पुनः समझेंगे फिर आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, आपको पता चला 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब आपको क्या पता चला कि जो रेलगाड़ी है उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी हुई है, 150 मीटर दी हुई, ये लिख दो, जो प्रश्न से आपको दिख रहा है ना वो सिर्फ क्या कर दो, लिख दो कि सर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी हुई है, 150 मीटर दी हुई है, ये एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, ये 150 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है ना, ये किसी खंबे को कितने सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड के अंदर पार करती है, तो कितने समय में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करेगी, आपसे पूछा कि 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है वो कितने समय के अंदर पार करेगी। अब यहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझना होगा, क्यों, क्योंकि देखिएगा प्लेटफॉर्म को पार करने की बात की जा रही है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पे मैंने लिखवाया है आपको कि जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म को पार करे तो जो कुल लंबाई होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग होती, दोनों को जोड़ा जाएगा, तो यहां पे ये क्या किया जा रहा है, यहां पे ये साथियों क्या कर रही है, यहां पे ये प्लेटफॉर्म को पार करने की बात कर रही है, तो कुल लंबाई होगी वो क्या होगी, कुल लंबाई है वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150 मीटर प्रश्न में दे रखा, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200 मीटर, तो कुल लंबाई कितनी होगी 350 मीटर हुई है, कुल लंबाई कितनी हुई 350 मीटर, ये 350 मीटर पार करनी है, ये कितने समय में पार करेगी, सर कैसे पता चलेगा, देखिएगा 150 मीटर तो ये 9 सेकंड में जा रही है, 150 मीटर कितने में जा रही है 9 सेकंड में, यानी कि आपको पता चला इसकी चाल ज्ञात करते हैं अपन, तो देखिएगा स्पीड कितनी वो पहले पता करो, फिर पता चलेगा कि भाई इतनी स्पीड है तो 350 मीटर कितने टाइम में जाएगी, तो स्पीड आपको पता चलेगी कि 150 मीटर तो ये कितने सेकंड में जा रही है 9 सेकंड में जा रही है, तो आपने क्या किया कि 150 है ये 9 सेकंड में जा रही है, तो 150 बटे 9 की आपको पता चलेगा कि इसकी चाल है वो कितनी आ जाएगी,
तीन का अब यहाँ पे गुणा भाग जोड़ बाकी नहीं आता है तो भाई आपका काम है ही नहीं इस क्लास के अंदर, क्योंकि गणित है वो बहुत जरूरी चीज है। गुणा भाग जोड़ बाकी नहीं आए, जैसे यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो कि तीन का भाग नौ में कितनी बार जाएगा, तीन बार जाएगा, डेढ़ सौ में कितनी बार जाएगा, पांच बार जाएगा, एक जीरो पचास बार, ये इसको काटना आपको आना चाहिए नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, सीधी सी बात है साथियों, मैं झूठे आपको यूं नहीं बताऊंगा कि बहुत ईजी नहीं है, बहुत ईजी है, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, समझना चाहिए। अब आपको अगर भाग यहां पे नहीं आ रहा तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 50 बटे 3 है, ये आपकी मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। देखिए कुल दूरी कितनी दी हुई है, अपन ने ज्ञात कर ली 350 मीटर दूरी है, चाल अपन ने ज्ञात कर दी 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अपन को ज्ञात करना है समय, क्या ज्ञात करना है समय, इसने क्या कहा कि 150 रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है तो कितने समय में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म तैयार करेगी, पार करेगी। प्लेटफॉर्म 200 मीटर है लेकिन सर अपन ने 350 मीटर क्यों रखी दूरी, क्योंकि अपनी शर्त है कि जब भी प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को या सुरंग को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई भी साथ में ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन ने 5/18 से सर गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है ना तो अपन उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारे सेकंड और मीटर में ही दे रखे हैं तो को कुछ नहीं करना पड़ा। समय का सूत्र क्या होता है सर, तो आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी गुणा चाल हो जाएगा यहां पे। ठीक है, समय बराबर क्या हो जाएगा, जितनी दूरी है दूरी बटे चाल हो जाएगा, वही अपना समय कि कितना दूर जाना है और कितनी स्पीड से चलोगे, दूरी बटे चाल अपना क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, समय ज्ञात कर लेंगे। दूरी कितनी है 350 मीटर, समय कितना 50 और चाल है 50/3। अब जब भी 50/3 ऐसे बटे के बटे में आए ना तो ये नीचे वाली जो संख्या होती है 50/3 ये 3 इसके ऊपर गुणा में चला जाता है। अब ये गणित के कुछ रूल्स है, जो आपको नहीं आते तो मैं भले कितना ही यहां पे चिल्लाऊं लेकिन आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, ये चीजें सीखनी जरूरी, क्योंकि अभी आगे से अपन रीजनिंग के जो भी टॉपिक करेंगे सारे गणित के ही होंगे। अब गणित के बेसिक से आपको रूल नहीं आते नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये 50/3 है, ये 50/3 इसके बट्टे में लिखना है तो 50 तो ऐसे ही रह जाएगा लेकिन वापस इसके नीचे वाला जो बट्टे का 3 है ना ये इसके ऊपर गुणा में चला जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसको 3 को मैं यहां पे कर लूंगा, अब इसको कर लो गुणा, जीरो से जीरो कट गया, पाँच का भाग 35 में गया 7 बार और 7 को 3 से गुणा किया कितना आया 21, 21 सेकंड आपका आंसर आ गया कि ये 21 सेकंड के अंदर क्या करेगी, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म क्या कर लेगी, पार कर लेगी। ऐसे साथियों इस प्रश्न को क्या है सॉल्व कर लोगे। अब चिंता मत करो ना, मैं सबके लिए जुगाड़ लेके आता हूँ, आप टेंशन क्यों करें, मुझे पता है आप गणित में कितने होशियार हो। अब जिस भाई सबसे अच्छा तरीका यही है, इससे आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, ये तरीका अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन ये कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जो क्या करेंगे कि हमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं समझना है, हमें तो उत्तर लाना भले कैसे आए, हमें ये नहीं पता है कि उत्तर कैसे आया लेकिन उत्तर आ जाना चाहिए, तो उनके लिए अब यहां पे देख लिया। हालांकि वो भी बहुत अच्छा ट्रिक है, प्रश्न वहां से भी सही होगा लेकिन ये करोगे तो अच्छा रहेगा। क्या करना है, जब भी पूछा जाए तो देखिएगा, आपको जब भी ऐसी कोई चीज पूछी जाए एक तरफ आप लिख दो रेलगाड़ी, क्या लिख दो, जैसे ही ऐसा प्रश्न आता है एक तरफ लिख दो रेलगाड़ी और अनुपात में लिख दो दूसरी चीजें, क्या लिख दो रेलगाड़ी और अनुपात में क्या लिख दो दूसरी चीजें लिख दो। दूसरी चीजें कैसे, जैसे रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी 150, तो रेलगाड़ी के नीचे क्या लिख दो 150 लिख दो। उसके बाद दूसरी चीजों के नीचे दूसरी चीजें क्या दे रखी है, तो दूसरा तो प्लेटफॉर्म दे रखा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 200 मीटर। लेकिन याद रखना रेलगाड़ी जब भी, ये मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूं, ठीक है ना, दूसरे तरीके से ट्रिक से कैसे करते, तो देखिएगा जैसे ही ऐसा प्रश्न आता है रेलगाड़ी है वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो आपसे टाइम पूछा जाए कितने समय में पार करेगी, तो आप ऐसे कर दो, दो भागों में इसको बांट दो, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी वो रेलगाड़ी के नीचे लिखो और रेलगाड़ी कितने समय में पार करती, तो इधर आप याद रखने के लिए लिख दो 9 सेकंड के अंदर, 150 मीटर 9 सेकंड में चलती है। दूसरी चीजों में क्या है, दूसरा तो प्लेटफॉर्म पार कर रही है और प्लेटफॉर्म के लिए अपन का सूत्र होता है, ट्रिक होता है कि प्लेटफॉर्म पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई भी साथ में गिनी जाती है, तो पहले तो रेलगाड़ी की लंबाई वापस 150, प्लेटफॉर्म कितना है 200 मीटर है। ठीक है, ये तो 150 का 150 ही है, इधर इसको जोड़ दो 150 और 250, 200 कितने हो गए 350 हो गए। अब इसको काटो, जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनको हल करो, तो देखिएगा यहाँ पे 5 का भाग इसमें जा रहा है 3 बार और यहाँ पे 5 का भाग जा रहा है 7 बार, 3:7 मिल गया। ठीक है, अब ये 3 ये किसके बराबर है, तो ये 3 है साथियों, ये रेलगाड़ी 150 मीटर कितने टाइम में चलती, 9 सेकंड में, तो 3 यूनिट का मान तो 9 आ रहा है। देखिए कोई भी 3 केड़ों का रुपये कितने हैं, 3 केड़ों के रुपये 9 हैं, तो मैं पूछूं एक केड़े के कितने रुपये होंगे, तो आप कहेंगे सर 9/3, तो आपको मिल जाएगा 3 रुपया होगा एक केड़े का, यानी कि 3 यूनिट का मान 9 है तो एक यूनिट का
का मान कितना होगा, 3 होगा। तो अपन को पता चला कि दूसरे अपन को प्लेटफॉर्म के कितनी यूनिटें मिल रही, 7 यूनिटें, और एक यूनिट का मान 3 है तो 7 यूनिट का मान हो गया 21। तो सीधा आंसर मिल जाएगा 21 सेकंड, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक हर किसी को समझ में नहीं आएगा, बाकी आप बेसिक तरीके से करो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मुझे पता है कि आप अगर पहले से गणित के अंदर नहीं पढ़े हैं तो वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। जिंदगी में जो भी गलतियां करते हैं उन गलतियों का फल हमें आगे अवश्य न अवश्य मिलता ही मिलता है, लेकिन सुधारने का समय भी मिलता है, तो अभी भी सुधार दो। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे करेंगे, ऐसे ट्रिक से सर कैसे करते हैं, दोबारा समझाओ। देखो एक बार नहीं दो बार समझा रहा हूं, फिर भी अगर आपको 10 बार समझना है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। देखिएगा, जब भी रेलगाड़ी और कोई दूसरा जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह दिया गया है तो रेलगाड़ी वाला मैटर एक तरफ लिख दो। रेलगाड़ी की लंबाई 150 दी थी, अपन ने 150 नीचे लिख दी। उसके बाद इधर दूसरी चीज में प्लेटफॉर्म की लंबाई का है तो प्लेटफॉर्म 200 मीटर लंबा है, लेकिन कुल लंबाई हमेशा क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए रेलगाड़ी की लंबाई भी साथ में गिनेंगे। तो 150 + 200 350 हो गए, इनको आपस में अब काटो तो यहाँ पे 15 रहा, यहाँ पे 35 रहा। अब इनको वापस छोटे करने होंगे, सरल भिन्न में बदलने होंगे, छोटे करने होंगे, काटने पड़ेंगे। तो 15 में 3 का 5 का भाग 3 बार जाता है, 15 में क्या है, 15 में साथियों 5 का भाग 3 बार जाता है, और आपके एक यहाँ पे 35 में जाता 7 बार। अब ये 3 किसके बराबर है, तो ये 9 सेकंड के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ रेलगाड़ी 9 सेकंड सम टाइम के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। 9 के 3 का मान 9 है, यानी कि 3 यूनिट का मान 9 है, तो 1 यूनिट का मान 3 आ जाएगा, और 3 को 7 से गुणा करेंगे 21 राइट हो जाएगा। जो बंदा अच्छे से समझ रहा होगा उसको तो समझ में आ जाएगा, थोड़ी बहुत भी लापरवाही की है कमेंट में ध्यान रखा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा ये बंदा क्या पढ़ा रहा, क्या बकवास कर रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये भाई साहब ये आपके ये नहीं है कि दर्जी पोशाक तो शिक्षक पढ़ाई कराना शिक्षण कार्य बस सही हो गया, ये ऐसे वाले प्रश्न ये गणित है, लेकिन है बहुत इजी, समझना चाहिए, नीति होनी चाहिए, बस बात ये टोटल मिला के। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, एक में और इसी टाइप का एक और प्रश्न कराता हूं। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। आपने कहा सर रेलगाड़ी और दूसरी चीजें लिख दो, सिर्फ रेलगाड़ी और दूसरी चीजें लिख दो, क्या कर दो, दूसरी चीजें। देखिए मित्रों, अगर कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोशिश करोगे तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। रेलगाड़ी और दूसरी चीजें सर आपने कहा लिख दो, रेलगाड़ी क्या है, किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। टाइम को इस तरफ लिखा जाता है, बाद में देखेंगे ये कितने यूनिट के बराबर है, 12 सेकंड में पार करती है, तो अपनी लंबाई से दुगनी सुरंग कब पार करेगी सर, ये कैसे करेंगे देखिएगा। आपको एक आइडिया मान के चलना होगा, देखिए मानो कैसे आइडिया मानो सर, मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई 1 है, कितनी है रेलगाड़ी 1 मीटर लंबी है, तो अब कुछ दिया हुआ तो है नहीं, तो सीधा 1 मान लिया अपन ने, जैसे x मानते तो x से आपको पता नहीं चलेगा, 1 मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई मान लिया 1 मीटर है। अनुपात दूसरी चीजें क्या है, तो दूसरी चीज इसने कहा है कि अपने से दुगुनी लंबी सुरंग, एक तो सुरंग आई है और सुरंग में कुल लंबाई क्या होगी, सुरंग की लंबाई साथ साथ में रेलगाड़ी की लंबाई भी जुड़ेगी। ये नियम है कि भी जब भी सुरंग प्लेटफॉर्म आए तो क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई भी साथ में जोड़ेंगे, तो रेलगाड़ी कितनी हो जाएगी, 1 रेलगाड़ी है, प्लस इसने कहा कि अपने से दुगुनी लंबी सुरंग है, रेलगाड़ी से 2 गुना लंबी सुरंग है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो 1 मीटर है और इससे दुगुनी लंबी मतलब 2 मीटर हो जाएगी। ये लो भाई उत्तर आ जाएगा, यहाँ 1 रह गया अनुपात, 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। अब ये 1 किसके बराबर है, तो अपन ने लिखा था कि ये 12 सेकंड में पार करती है, तो ये 1 तो अपन ने इधर लिखा था कि 12 सेकंड, 1 का मान क्या, 1 यूनिट का मान 12 सेकंड है, अपन ने इधर लिखा था, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा इधर वाले का, तो 3 को 12 से गुणा कर दो 36 सेकंड में हो जाएगा, 36 सेकंड बस आपका आंसर आ गया। अब जो बंदा ये चीज समझ चुका है ना, वो उसके तो कुछ सूत्र उत्तर नहीं लगाना, वो तो प्रश्न को देखते ही हल कर लेगा, कैसे हुआ एक बार फिर से देख लो, एक बार क्या कर लो फिर से देख लो ये कैसे हो रहा है साथियों, नहीं तो काम नहीं आएगा भाई। देखिएगा एक बार इसको आप पुनः देखिएगा ये कैसे हो रहा है। लो भाई क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो बताओ अपने से दुगनी लंबाई की सुरंग कब पार कर देगी। मैंने कहा ऐसा जब भी आए तो एक तरफ तो आपको रेलगाड़ी के आंकड़े लिखने हैं, दूसरी तरफ जो भी और चीजें लिखी हुई है वो लिख देनी है। रेलगाड़ी की लंबाई लिखते हैं सर, लेकिन लंबाई तो दी नहीं हुई है, तो दी नहीं हुई तो अपन एक्स वगैरह माने तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए अपन ने मान लिया कि मान लिया रेलगाड़ी 1 मीटर लंबी है, कितनी मीटर लंबी है ऐसा मान लिया, 100 मीटर भी मान सकते हैं, मैं 1 मीटर मानूंगा ताकि जोड़ बाकी में आसानी रहे। मान लिया रेलगाड़ी 1 मीटर लंबी है और ये 1 मीटर लंबी कितने सेकंड में पार हो रही है, 12 सेकंड में, तो 1 मीटर का मान कितना आ रहा है, 12 सेकंड आ रहा है, 1 मीटर है तो वो कितने सेकंड में जाएगी, 12 सेकंड में जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब साथियों देखिएगा दूसरी चीजें माने तो ये लंबी सुरंग को पार कर रही है, और जब भी सुरंग को पार की जाती है रेलगाड़ी की लंबाई साथ में जोड़ी जाती है। अपन ने रेलगाड़ी की लंबाई कितनी ली, 1 मीटर, तो यहां पर अपन ने लिख दिया है
एक मीटर, ठीक है। उसके बाद प्लस सुरंग की लंबाई कितनी है, तो सुरंग देखिए अपने से दुगुनी, मतलब रेलगाड़ी से दो गुना लंबी सुरंग है। रेलगाड़ी की लंबाई एक मीटर है तो सुरंग की लंबाई दो मीटर होगी, क्योंकि दो गुणी है, ठीक है। ये एक हो गया, यहाँ पे एक तो एक ही है, लेकिन एक प्लस दो जोड़ा तो कितने आ गए, तीन मीटर आ गए। यानी कि आपको पता चला कि एक यूनिट का मान कितना है, 12 है। ये एक मीटर किसके बराबर आ रहा है, 12 सेकंड के बराबर। यानी कि एक मीटर चलने के लिए कितना टाइम चाहिए, 12 सेकंड का टाइम चाहिए। एक मीटर चलना है 12 सेकंड का टाइम चाहिए। इधर अपन को लिखा तीन मीटर, तो तीन मीटर चलने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो आप सर कहोगे कि एक सेकंड, एक मीटर चलने के लिए 12 सेकंड चाहिए, तो तीन मीटर के लिए 36 सेकंड चाहिए। मतलब तीन मीटर चलने के लिए 12 से गुणा कर देंगे तो 36 सेकंड आपका आंसर जाएगा, सीधा उत्तर बनता है। अब आप कहता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे, वो मैं नहीं कह सकता, बाकी तो सीधे तरीके से बनता है। आपको थोड़ा सा क्या है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करनी होगी। उसके बाद चलते हैं आगे। ये तो समय वाले प्रश्न थे जिसमें आपको टाइम पूछा गया है, अब कुछ लंबाई वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आया था बीएसटीसी के, जो जिस पे अभी मैं जाने की कोशिश करता हूं कि आपके एग्जाम में लंबाई वाला प्रश्न आया था बीएसटीसी में, ये वाला प्रश्न था। देखो ये प्रश्न 2020 के एग्जाम में आया था बीएसटीसी में, कि एक रेलगाड़ी है वो 72 किलोमीटर की रफ्तार, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, आपने कहा कि सर आपने कहा था कि जब भी चाल दे दी जाए, तो इसने चाल कितनी दी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सर किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रखा जाता है, आपने कहा था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। ये किया 5/18 से गुणा, 18 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा, 18 दूने 36, 18 3 54 और 18 4 72, 4 बार गया, 4 को 5 से कर दिया गुणा, आपका 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। इसने चाल दी थी 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन अपन को चाल चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए अपन ने 5/18 से गुणा कर दिया, तो अपन की जो चाल आ गई वो नई चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड, अपनी क्या आ गई, चाल आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, 250 मीटर के प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 250 मीटर। कितनी लंबाई, 250 मीटर। ये क्या करती है, इसे 250 मीटर की लंबाई को 26 सेकंड के अंदर पार करती है। 250 मीटर की लंबाई को साथियों कितने टाइम में पार करती है, 250 मीटर की लंबाई को 26 सेकंड के अंदर क्या कर लेती है, पार कर लेती है। तो आपसे पूछा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, अब सर कैसे करेंगे ऐसा प्रश्न, देखो पहले समझो प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार करती है, 26 सेकंड। यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 26 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को 26 सेकंड का समय लगता है, जबकि एक सेकंड में वो कितनी जाती है, तो अपन ने चाल लिखी है कि 20 मीटर प्रति सेकंड चाल है, एक सेकंड में वो 20 मीटर जाती है। एक सेकंड के अंदर रेलगाड़ी जाती है 20 मीटर, कितनी जाती है 20 मीटर, और प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 26 सेकंड लगते हैं, तो 26 सेकंड में कितनी चली होगी, एक सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो 26 सेकंड में कितनी चली होगी, आपको पता चला कि एक सेकंड के अंदर तो 20 मीटर चलती है, तो 26 सेकंड में कितनी चली, इसके लिए इसको 26 को 20 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो पता चल जाएगा। 0 का 0 आ जाएगा, 2 को 6 से गुणा किया 12, और 2 को 2 से किया 4 और 1 5, 520 मीटर आ जाएगा। अब ये भी नहीं आता तो बड़े शर्म की बात है, 26 को 20 से गुणा करके देखो 520 उत्तर आएगा, क्या आएगा, यानी कि आपको पता चला कि एक रेलगाड़ी है वो कितनी चलती है, चाल निकाली एक सेकंड में 20 मीटर चलती है, और रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, कितने में, 26 सेकंड में पार करती है, मतलब वो कितनी चली होगी, तो एक मीटर में, एक सेकंड में तो 20 मीटर चलती है, तो 26 सेकंड में वो 520 मीटर चली। रेलगाड़ी टोटल चली कितनी, 520 मीटर चली। तो सर प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है, लेकिन इसने दे रखा है ना कि 250 मीटर का प्लेटफॉर्म है। देखिएगा प्लेटफॉर्म तो कितना था, 250 मीटर ही था, लेकिन रेलगाड़ी कितनी चली, 520 मीटर चली। ऐसा कैसे हुआ सर, रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार किया, प्लेटफॉर्म की लंबाई इसने दे रखी है 250 मीटर और रेलगाड़ी चलती है 26 सेकंड, ये कैसे हो सकता है, जबकि एक सेकंड में वो 20 मीटर जाती है, तो ये तो लगभग 12-13 सेकंड के अंदर ही पार कर लेती, फिर ऐसा क्यों हुआ, इतनी क्यों चली। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि जब भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई भी साथ में गिनी जाती है। ये जो 520 मीटर है ना, इस 520 मीटर के अंदर ही रेलगाड़ी की लंबाई है। कैसे पता करोगे, टोटल कितनी लंबाई आई, 520 मीटर, उसमें से 250
250 मीटर लंबाई तो किसकी दे रखी है? पर्सन के अंदर प्लेटफॉर्म की, यानी कि 520 में से 250 तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, और जब कुल लंबाई में से प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा देंगे तो पीछे रेलगाड़ी की लंबाई बचेगी। तो जब 520 में से 250 को घटाओगे तो 270 मीटर मिलेगा। कितना मिलेगा? 270 मीटर मिलेगा। यही क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई होगी। यह प्रश्न 2020 के बीएसटी से के एग्जाम आया था, कान खोल के सुन लो। जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे ना, वो सुन लो कान खोल के, यह प्रश्न आया था परीक्षा में। कैसे करना था एक बार फिर से समझा रहा हूं आज। तो भाई ठीक है, आपने ठीक है क्या है? हाँ देखिएगा कैसे करना, एक बार फिर से देख लो। मालगाड़ी का कहा गया कि एक मालगाड़ी कितने की रफ्तार से चलती है, ये चलती है साथियों, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ रे, देखिएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की। सीधी बात है, मैंने आपको पहले ही कहा था अपने किलोमीटर प्रति घंटा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अपन किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। इसको 5/18 से गुणा किया तो अपन को क्या मिला? 20 मीटर प्रति सेकंड मिला, ये चाल मिल गई। उसके बाद इसने कहा है कि भाई अपन को चाल स्पीड का क्या पता चला, स्पीड 20 की स्पीड का क्या मतलब चला कि सर एक सेकंड के अंदर 20 मीटर जाएगी रेलगाड़ी, एक सेकंड में कितनी जाएगी? एक सेकंड में 20 मीटर जाएगी। अब ये क्या कि 250 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 26 सेकंड लगे, ऐसा कैसे हो सकता है सर? एक सेकंड में तो 20 मीटर जा रही है, तो 250 मीटर तो लगभग ये कितने 25 सेकंड के अंदर, 25 क्या 15 सेकंड के आसपास तो 300 मीटर जाएगी, ये तो 12-13 सेकंड में चली जाती, फिर भी इसको इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि अपन को पता है प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ रेलगाड़ी की लंबाई भी साथ में गिनी जाती है। तो 250 मीटर चलने में 26 सेकंड लगा, तो अपन ने पता किया टोटल 26 सेकंड में चलेगी कितनी, एक सेकंड में 20 मीटर चलती है तो टोटल 26 सेकंड में कितनी चलेगी, तो अपन को उत्तर मिला 520 मीटर चलेगी। अब प्लेटफॉर्म तो कितना था? प्लेटफॉर्म तो 250 मीटर था, तो बाकी वाली जो लंबाई है वो रेलगाड़ी की लंबाई आएगी। तो अपन ने 520 मीटर में से टोटल लंबाई आई उसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर घटा दिया तो पीछे 270 मीटर मिला, जो किसकी है? रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। यहाँ पे आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। ये साथियों प्रश्न आपके बीएसटीसी 2020 में आया था, जो मैंने आपको करवा दिया, 270 मीटर क्या था? राइट आंसर था। अब चलते हैं अपने अगले सवालों की ओर। अपने क्या कर रहे थे तो देखिएगा, मैंने आपको समय वाले करा दिए थे, अब देखिए लंबाई का एक और प्रश्न आया, फटाफट से करो। लंबाई का एक और प्रश्न आया कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी पोल को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? क्या पूछा गया है? रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 180 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा। हमें किलोमीटर प्रति घंटा प्रश्न में नहीं चाहिए, प्रश्न को अच्छे से देखोगे तो ही सही होगा, ध्यान रखना। हमें 180 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं चाहिए, हम किलोमीटर प्रति घंटे को किसमें बदलेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। क्या करते हैं? 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ये किया 5/18 से गुणा, ठीक है। 18 का भाग 180 में कितनी बार गया? 10 बार गया। 10 को 5 से गुणा किया, कितना आया? 50। आपको पता चला रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है? 50 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है? 50 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि एक सेकंड में रेलगाड़ी कितनी चलती है? 50 मीटर चलती है, ठीक है। वो किसी पोल को 30 सेकंड में पार करती है, तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या? अब रेलगाड़ी किसी पोल को क्या करती है? किसी पोल को 30 सेकंड में पार कर लेती है। पोल को 30 सेकंड में पार करती, तो आपको पूछा कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या हुई। अब मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि रेलगाड़ी की लंबाई और पोल की लंबाई हमेशा समान होती है। क्या होती है? जब भी रेलगाड़ी पोल को पार करे, मैंने आपको बताया था कि रेलगाड़ी की जब भी पोल को पार करे तो जो लंबाई पोल की होगी वही लंबाई किसकी होगी? रेलगाड़ी की होगी। कैसे पता करेंगे सर? देखो टोटल रेलगाड़ी कितनी चली वो पता करो, बहुत देसी तरीका यार। आप ये प्रश्न आपके घर वालों को आप दे देना, जो भी आपके घर वाले आपके पिताजी वगैरह होंगे जो पांचवी तक पढ़े हुए हैं ना, उनको आप ये प्रश्न दे देना, वो आपको इसका उत्तर निकाल के दे देंगे, गारंटी है मेरी, वो इसका उत्तर निकाल देंगे, क्योंकि ये देसी तरीके से हो जाएगा। कैसे पता चला भाई स्पीड कती है? वो के ठापड़ी वहां पर पचास की स्पीड हूँ गाड़ी आ लाए, गाड़ी कता की स्पीड वाले पचास की स्पीड हूँ गाड़ी आ लाए, आली कता टाइम तक, तो एक सेकंड में 50 मीटर चलती है, एक सेकंड में 50 मीटर चलती है और ये गाड़ी चली 30 सेकंड, तो कितनी चली होगी एक सेकंड में? तो कितनी चलती है? 50 मीटर। कितनी चली गाड़ी? 30 सेकंड चली, तो 30 सेकंड में कितनी चली होगी? तो आपने कहा सर 50 को 30 से गुणा कर दूंगा, आ जाएगा 1500, यानी कि ये गाड़ी 30 सेकंड चली तो कितनी चली? 1500 मीटर चली। कितनी चली? 1500 मीटर चली। अब आपको पता चला कि ये गाड़ी कितनी चलती है? 1500 मीटर चलती है, और यहाँ पे आपका तो वही तो उत्तर है, 1500 मीटर चली, और 1500 मीटर तो जो लंबाई आएगी वो पोल की लंबाई होगी, और पोल की लंबाई रेल की लंबाई है, तो रेल की लंबाई कितनी? 1500 मीटर हो जाएगी। बस सीधा आंसर है।
कैसे पता चला? चाल ज्ञात की। किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर प्रति सेकंड में बदला, 50 मीटर प्रति सेकंड आ गया। पोल कितना था, कितनी चली गाड़ी, 30 सेकंड चली, एक सेकंड में कितनी चलती, 50 मीटर, तो 30 को 50 से गुणा किया, 1500 मीटर चली है। और यही क्या लंबाई है, पोल की लंबाई पूछा, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, जो पोल की लंबाई होती है वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी, 1500 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ पे लंबाई का एक और प्रश्न अपन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको क्या चाल के प्रश्न कराऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कहा, 54 मीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखना अब की बार मीटर प्रति सेकंड में दिया है, और अपन को किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में ही चाहिए। अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में, प्रश्न को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटा दे तो अपन को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, लेकिन वो पहले से मीटर प्रति सेकंड में ही दे रहा है तो किस में बदलना है, वही रखना है। तो अब इसको अपन 5/18 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में ही दे रखा है। तो चाल कितनी आ गई आपकी, चाल आ गई है कि 54 मीटर प्रति सेकंड। एक साथियों, एक सेकंड में रेलगाड़ी 54 मीटर चलती है, एक सेकंड में कितनी चलती है, 54 मीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा, 54 मीटर प्रति सेकंड किसी रफ्तार से आ रही रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 50 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई है 50 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 50 मीटर है, किसी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। साथियों, कोई प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है। और मैं आपको बता दूं कि कुल लंबाई होती है वो हमेशा क्या होती है, कुल लंबाई स्टार्ट में ही बताया था, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल लंबाई होती है। रेल की लंबाई तो 50 मीटर दे रखी है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं, वही ज्ञात करनी, लेकिन अपन ज्ञात कर लेंगे। क्यों, अपन को पता चला, अपन को क्या पता चला कि रेलगाड़ी है वो एक सेकंड में कितनी चलती है, रेलगाड़ी एक सेकंड में 54 मीटर चलती है। रेलगाड़ी स्पीड भाई 54 मीटर पर सेकंड है, मतलब एक सेकंड में रेलगाड़ी कितनी चलती है, 54 मीटर चलती है। कितनी चलती है, 54 मीटर। टोटल चली कितनी रेलगाड़ी, लंबाई वाले प्रश्न ऐसे होंगे, टोटल चली कितनी है, तो किसी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, यानी कि टोटल चली है 30 सेकंड। एक सेकंड में 54 मीटर चलती है, टोटल चली 30 सेकंड, तो कितना टोटल लंबाई कितनी तय की भाई, एक सेकंड में 54 मीटर चलती है और टोटल 30 सेकंड चली, तो लंबाई कितनी हुई, तो 30 से गुणा कर देंगे, 0 का 0 रह जाएगा, 4 को 3 से गुणा किया, 12 आ गया, हासिल लगी 1, 5 3 15 और 1 16, कितनी चली टोटल, आपको पता चला सर 1620 किलोमीटर चली है, कितनी चली है, सही हो जाएगा क्या, 0 का 0 ही रह गया, 3 को 4 से किया, 4 3 12 हासिल 1, 5 3 15 15 और 1 1620 मीटर चली, कितनी चली 1620 मीटर चली। अब ये 1620 मीटर टोटल चली है, लेकिन अपन को तो पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये 1620 मीटर तो कुल लंबाई है, अपन को तो पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए क्या करेंगे भाई, प्लेटफॉर्म अपन कुल लंबाई क्या होती है, कुल लंबाई होती है रेल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल लंबाई होती है। रेल की लंबाई तो अपन को पता है 50 मीटर है, तो पीछे जो 1620 में से 50 मीटर तो रेल की लंबाई है, पीछे जो भी रहेगा वो क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी ना, तो पीछे जो भी रहेगा वो क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। और पीछे रह जाएगा यहाँ पे 1620 में से क्या है, आप 50 घटाओगे तो आपको रह जाएगा 1570, क्या रह जाएगा, तो ये 1570 मीटर आपका क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। ऐसे साथियों आपको इसका क्या है, उत्तर मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्या है इस प्रश्न को कर लोगे, समझ में आया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, इस टॉपिक मैं विशेष रूप से ध्यान दे रहा हूं, क्यों दो बार क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, इजी है, लेकिन डर लगता है आपको, समस्या वही है, बाकी बहुत इजी। देखो क्या था, 54 मीटर पर सेकंड थी, 54 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ कि एक सेकंड में 54 मीटर चलती है, टोटल चली कितनी, टोटल चली 30 सेकंड, एक सेकंड में 54 मीटर चलती तो 30 सेकंड में कितनी चली, 1620 मीटर चली। अब इसमें से टोटल चली 1620 मीटर, उसमें से रेलगाड़ी कितनी चली है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर है, तो 1620 में से 50 मीटर घटा दिया, ये तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई है, अब पीछे जो भी बची वो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी, और प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 1570 मीटर। बहुत ही इजी प्रश्न था, तो ये अपन ने सबसे पहले समय कैसे ज्ञात हैं वो प्रश्न किए, उसके बाद अपन ने कौन से प्रश्न किए कि ये लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, अब चाल वाले प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आएंगे, चाल वाले प्रश्न आएंगे। तो एक प्रश्न में वो भी आपको करवा देता हूं कि एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, किसी खंबे को 10 सेकंड में क्या करती है, 10 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड बताओ, पार करती है तो चाल बताओ। एक प्रश्न आपका तीसरे टाइप का ऐसा बनता है कि चाल बतानी है, एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 110 सेकंड में पार करे तो चाल बताओ। सीधा आंसर है
किलोमीटर प्रति घंटा में तो कहीं नहीं दिया हुआ है ना, अपन को मीटर प्रति सेकंड चाहिए। तो देखो सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकंड, मतलब मीटर प्रति सेकंड। ये किलोमीटर वाला मामला नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, सीधा सूत्र लगाना। क्या सूत्र, चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। स्पीड कैसे पता करते हैं, कितनी दूरी थी और कितना टाइम लगा, मतलब इतनी स्पीड रखी आपने। दूरी कितनी है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। आप कहोगे सर ये तो रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी रेलगाड़ी को कैसे पार करेगी। अरे रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है, और मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था, बीच में भी 10 बार बता दिया कि खंभे की लंबाई होती है वही तो क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। जितनी रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है वही खंभे की लंबाई मानी जाती है। तो टोटल दूरी कितनी, दूरी या लंबाई दी हुई है 110 मीटर दी हुई है। बट्टे समय कितना है, 10 सेकंड में पार करती, तो 10 का भाग दे दिया, यहां पे 0 से 0 कट गया, 1 का भाग 11 में गया, 11 बार 11 मीटर प्रति सेकंड आपको स्पीड मिल गई कि रेलगाड़ी 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है, तब वो 10 सेकंड में 110 मीटर जाएगी। ये आपके क्या हो गई, चाल हो गई। चाल वाले प्रश्न इजी रहेंगे, लंबाई वाले प्रश्न और क्या है, समय वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो साथियों ये अपने कुछ प्रश्न थे रेलगाड़ी के, जिसने अपन को क्या बहुत अच्छे तरीके से किया। अगर समझ में नहीं आया मेरी बात, यहां से ध्यान से सुन लो, ये प्रश्न बड़े अच्छे प्रश्न है। मैं खुद कहता हूं ना, आपको समझ में नहीं आया ये चीज, मुझे भी पता चल रही है, तभी तो मैंने इस पे विशेष रूप से फोकस किया, बार बार आपको कहा कि ध्यान रखो ध्यान रखो। सबसे पहले आपको मैंने जो स्टार्ट में 3 सूत्र बताए थे, वो 3 सूत्र याद होने चाहिए कि चाल बराबर क्या होगा, कि चाल बराबर दूरी बटे समय होगा, वे ऐसे 3 सूत्र याद होने चाहिए। उसके बाद 2 शर्तें बताई थी कि पोल को जब भी पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई और पोल की लंबाई बराबर होगी, किसी सुरंग दूसरी रेलगाड़ी या फिर क्या प्लेटफॉर्म को पार करे तो टोटल लंबाई में रेलगाड़ी की लंबाई भी क्या ऐड होगी, वो 2 शर्तें याद रखो। उसके बाद मैंने प्रत्येक टाइप के आपको प्रश्न कराए, 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, मैंने आपको 6 से 7 प्रश्न कराए, तो उन प्रश्नों का टाइप समझो, उन प्रश्नों को समझने की कोशिश करो, यूं मत सोचो कि नहीं होगा, समझो यार ये हुआ कैसे, होगा आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। और निवेदन करूंगा भले ही समझ में आ गया नहीं आ गया, एक बार आप इस वीडियो को क्या करना, पुनः देखना, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए समझ में आ जाए। हालांकि इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, ये प्रश्न आपके लक पर निर्भर करता है सर, किस्मत की बात आप कब से करने लगे, आप तो मेहनत पे विश्वास रखने वाले थे ना, बिल्कुल किस्मत जुए में काम आती है या काम नहीं आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर साल ये प्रश्न नहीं आते हैं रेलगाड़ी वाले, आज दिन तक अपन ने जितनी भी रीजनिंग पढ़ी है रेलगाड़ी वाले प्रश्नों से पहले पहले, और एक वो बंदर वाले प्रश्न थे वो तो आते ही हैं, ठीक है। आज दिन तक इससे पहले जो भी रीजनिंग पढ़ी वहाँ से तो आपका प्रत्येक प्रश्न से कम 1% तो आएगा ही आएगा, एवरेज 2 से 3% का रहता, लेकिन 1% तो आएगा। लेकिन अभी जो अपन टॉपिक करने वाले हैं आगे, जिसमें कौन कौन होगा, रेलगाड़ी होगा, रेलगाड़ी के बाद ब्याज होगा, ब्याज के बाद प्रतिशत होगा, प्रतिशत के बाद क्या होगा लाभ हानि होगा, प्रतिशत के बाद लाभ हानि होगा, उसके बाद अनुपात होगा, अनुपात के बाद औसत होगा, ये प्रश्न है ना। तो ये है ना, इनसे सिर्फ आपके 2 से 3% ही आएंगे, इतने सारे टॉपिकों से मिला के कितने आएंगे, इतने सारे टॉपिकों से मिला के 2 से 3% ही आएंगे। तो घबराना नहीं है, रेलगाड़ी वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया तो, अगर रेलगाड़ी वाला एग्जाम में आ गया तो आपकी किस्मत है, अगर रेलगाड़ी वाला समझ में नहीं आया तो ब्याज वाला अच्छे से कर लो, हो सकता है ब्याज में से प्रश्न आ जाए, यानी कि इन इतने टॉपिकों में से 2 या 3% ही एग्जाम में आने वाले हैं। तो ज्यादा चिंता नहीं करनी है, बल्कि इनको अच्छे से समझना है, बाकी आपको विशेष रूप से जो ध्यान है वो बाकी वाले टॉपिकों पे देना है। ये तो एडवांस है, कभी आते हैं और कभी नहीं आते, इनका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आपने कहा है तो करवाना मेरा क्या है, फर्ज है। बाकी मैंने तो कहा था कि 2-3 प्रश्नों के लिए अपन इतनी माथापच्ची नहीं करेंगे, लेकिन आपने बार बार कमेंट करके बताया कि सर हमें तो पूरे के पूरे सही करने हैं, तो आप ये भी कराओ, तो मैंने यहां पर पूरी की पूरी आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।